तो गाइज कुछ ऐसी एंट्री है यहाँ पे, आप देखिए वीडियो बनाते चलेंगे। अंधेरा बहुत है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आज हम आए हैं घूमने छतबीड जू, जो पड़ता है चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली के पास। और गाइस अभी हम खड़े हैं पार्किंग में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जो यहां पे पार्किंग के चार्जेस हैं मैं अभी आपको दिखाता हूं। और गाइस यहां पे आना आपके लिए बहुत ही ईजी है। यहाँ पर चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली से बसेज आती हैं, टैक्सीज ऑटो सब आते हैं यहाँ पर। और स्पेशल चंडीगढ़ से एक बस आती है जिसका नंबर है 79। दोबारा सुन लीजिए, बस का नंबर है 79, जो चंडीगढ़ से पैसेंजर्स को यहाँ लेके आती है और यहाँ से लेकर भी जाती है। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे पार्किंग के चार्जेस क्या हैं, उसके बाद चलते हैं हम अंदर, टिकट्स लेंगे और क्या टिकट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पार्किंग के चार्जेस हैं, स्कूटर बाइक के लिए 10 रुपये हैं, थ्री व्हीलर कार्स के लिए 20, बस ट्रक और बड़ी गाड़ियों के लिए 100 रुपये हैं। और साइकिल से आते हैं तो यहाँ पे जो पार्किंग है बिल्कुल फ्री है, आप देख लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो अडल्ट के टिकट हैं वो 100 रुपये के हैं, और जो बच्चे 3 साल से लेके 12 साल तक के हैं उनके 50 रुपये के हैं। और कैमरा आपको अंदर ले जाना है तो 500 रुपये चार्जेस हैं, और वीडियो कैमरा के भी 500 रुपये चार्जेस हैं। और जो डिफरेंटली एनेबल्ड हैं उनके लिए यहाँ पे टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख पा रहे हैं। बाकी वहाँ पे देखिए टिकट्स ले रहे हैं। तो गाइज ये चेकिंग काउंटर है, आपको अंदर जाने से पहले यहाँ पे अपने जो भी कैरी बैग हैं या बैग्स हैं यहाँ पे चेक करवाने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर प्लास्टिक का कोई भी पॉलिथीन अलाउड नहीं है। तो गाइज जैसे ही आप गेट से अंदर एंटर होते हैं, और एंटर होते ही यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक सेल्फी पॉइंट जहाँ पे लोग सेल्फी लेना पसंद करते हैं, आप देख पा रहे हैं। और मेन गेट से एंटर होते ही कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है आपको, आप ये देखिए आपको दिख जाएगा। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप। तो गाइज एंटर होते ही आपको ये इलेक्ट्रिक कार्ट यानी कि गाड़ियाँ मिल जाएंगी। अगर आप पैदल चाहो घूमना तो घूम सकते हो, पर ये जू काफ़ी बड़ा है तो गर्मी भी है, आप चाहो तो इन इलेक्ट्रिक कार्ट को यूज़ कर सकते हो। और जो इनका चार्जेस है वो 60 रुपये पर पर्सन है। तो गाइस सबसे पहले हम पहुँचे हैं रॉयल बंगाल टाइगर, और जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, अभी आपको दिखाते हैं द रॉयल बंगाल टाइगर। तो गाइस सेकंड नंबर पे है वाइट टाइगर, और जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, अभी दिखाते हैं आपको वाइट टाइगर। तो गाइस ये देखिए वाइट टाइगर पानी से निकलते हुए। तो गाइज ये मेरे लेफ्ट साइड पे आ गया है,
हिप्पो दरियाई घोड़ा अभी आपको दिखाते हैं, तो चलिए। तो गाइस ये देखिए व्हाइट बक, सफेद हिरन अभी आपको दिखाते हैं। तो गाइस आप देख पा रहे हैं जूम किया हुआ है। गाइस यहाँ ना सारे ही एनिमल्स को ना काफी दूर दूर रखा गया है। अगर आपको वीडियो बनाना है या उनको देखना है तो आपको कैमरे को जूम करना पड़ेगा, और मैं भी हर वीडियो को जूम करके बना रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा कैसा व्यू आ रहा है। एलिफेंट्स, ये मैंने फुल जूम किया हुआ है मेरे आईफोन के कैमरे को। तो कुछ ऐसा व्यू आता है जूम करने के बाद, आप देख पा रहे हैं। तो गाइस ये देखिए पैंथर तेंदुआ, अभी जूम करता हूँ इसके ऊपर, दिखाता हूँ आपको अंदर बैठा हुआ केज में। तो ये देख पा रही है जाली के अंदर तो गाइस ये आ चुके हैं हम डायनासोर पार्क छतबीड़ में, चलते हैं अंदर आपको दिखाते हैं कैसा व्यू है अंदर का। तो गाइज कुछ ऐसी एंट्री है यहाँ पे, आप देखिए। अंधेरा बहुत है। बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आगे ना, बाकी जगह टाइगर शेर देखने में मजा नहीं आया क्योंकि वो सो रहे थे। और हमने यहाँ के एक एम्प्लॉय से बात की तो उसने बताया कि अगर आप दोपहर को 2 बजे के बाद आते हो तो मोस्टली आपको सारे जानवर एक्टिव मिलते हैं, पर हम यहाँ मॉर्निंग में ही आ गए थे 10 बजे के आसपास। तो गाइस वीडियो देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।